जय श्री कृष्ण। टेटी रोटी मेहरी की छाक भाई। कुम्मन दास तत्काल घर गए, वे रसोई बनाने लगे, नमक मिलाकर बेजर की रोटी बनाई। उनकी बेटी ने ज्वार दही, हांडी में ज्वार की मेहरी सिद्ध की, दूध दही और टेटी की साग तथा संधाना भी लाए भी ले लिया और कुम्मन दास गोवर्धन पर गए। शिनाथ जी ने कुम्मन दास की छाक अपने पास रख ली, फिर सभी सखाओं के घर से भी छाक लाई। शिनाथ जी ने कुम्मन दास की छाक अपने सभी सखाओं को छकाई। उसके बाद आप श्री ने स्वयं छाक आरोगी। ठाकुर जी शिनाथ जी को कुम्मन दास की सामग्री बहुत स्वादिष्ट लगी। कुम्मन दास के भाग्य का तो कहना ही क्या था, वे मस्त होकर गा रहे थे, ब्रज में पड़ो मेवो यह टेटी, जाको होत है साग, संधानों और बेजर की रोटी। इसके बाद उन्होंने गाया, घर घर ले आई है छाक, खाटे मीठे और सलोने विविध भांति के पाक, मंडल रचना करी जमुना तट, सकन लता की छाई, गोपी ग्वाल सकल मिल जेमत मुखी सरात चाई, टेटी साग संधानों रोटी कोरस, सरस मेहरी कुम्मन दास गिरिधर, रस लपट नाचत देर देह फरी। श्री नाथ जी ने कुम्मन दास की छाक की बहुत प्रशंसा की। कुम्मन दास निहार हो गए। पूरोमल को मंदिर बनाने की आज्ञा। संवत 1556 चैत्र सुदी 2 के दिन शिनाथ जी ने अम्बाला के पूर्णमल खत्री को स्वप्न में आज्ञा दी, हम ब्रज में गोवर्धन पर प्रकट हुए हैं, हमें ब्रजवासी देवदमन के नाम से जानते हैं, तुम वहां आकर हमारा बड़ा मंदिर बनवा दो। पूर्णमल अम्बाला से गोवर्धन आए, श्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। उस समय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य पृथ्वी परिक्रमा करके लिए पधारे थे। पूर्णमल तब ब्रज में ही ठहरा। महाप्रभु जी के लौटने पर उसने विनती की, श्री गोवर्धन नाथ की इच्छा बड़ा मंदिर बनवाने की है, उन्होंने मुझे स्वप्न में आज्ञा की है, इसलिए मैं द्रव्य लेकर आया हूँ, मुझे मंदिर बनाने वाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री महाप्रभु जी ने शिनाथ जी की इच्छा जानकर ही श्री गिरधर राज जी से आज्ञा मांगी। गिरधर राज गोवर्धन ने कहा, श्री नाथ जी मेरे हृदय में विराजेंगे, इसलिए मुझे टाकी लगाने से कोई परिश्रम कष्ट नहीं होगा, आप सुखपूर्वक मंदिर बनवाइए। जय श्री कृष्ण।